धनबाद में जज उत्तमानंद की मौत मामले को हाईकोर्ट ने काफी गंभीरता से लिया है। इस मामले में अदालत ने आज डीजीपी और धनबाद के एसएसपी को तलब कर जानकारी ली। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने एफआईआर में देर होने पर नाराजगी जताई और जल्द ही कार्रवाई के निर्देश दिए। अब अदालत इस मामले की मॉनिटरिंग करेगी। अदालत ने यहां तक कहा कि अगर जांच में कोताही दिखी तो मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। तो इसके लिए हम लोग इसके मामले की तह तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। अगर सही में किसी जज की मृत्यु होती है या किसी की हत्या होती है और जो हमारा एक प्रोफेशनल हैजार्ड्स है कि हम लोग किसी न किसी की तरफ से अपीयर करते हैं, कोई ना कोई हमसे अग्रीव्ड रहता है, तो उस बिंदु पे भी जांच होगी। कोर्ट ने हमसे जानकारी मांगी, डीजीपी ने अपनी जानकारी दी है, एसएसपी साहब मौजूद थे, उन्होंने अपनी जानकारी दी, तो ये कोर्ट मॉनिटरिंग करेगा ही। जो हम लोग अगला रिपोर्ट देंगे हाईकोर्ट में ही कोर्ट को पेश करेंगे इस पे, रिपोर्ट पे। कि सीबीआई से जांच को देना ये कोर्ट का प्रेरोगेटिव है, उसमें मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन मुझे अपने पुलिस फोर्स पर पूरा कॉन्फिडेंस है और इसी कॉन्फिडेंस का यह नतीजा मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि कल की घटना है और कल ही हम लोगों ने रातों रात ट्रेस करके उस ऑटो को भी पकड़ लिया, सीज कर लिया है, और वो दो लोग जो व्यक्ति सवार थे ऑटो में, ड्राइवर, उनको भी हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस महकमा हरकत में आ गया। आनंद फानंद में झारखंड पुलिस मुख्यालय में हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, जिसमें बड़े अधिकारी शामिल हुए। बैठक में एसआईटी के गठन का फैसला लिया गया। एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर एसआईटी को लीड करेंगे। टीम में बोकारो डीआईजी और धनबाद एसपी भी शामिल है। इस पूरे घटनाक्रम के संबंध में धनबाद थाना कांड संख्या 300/2021 धारा 302 भादौवी के अंतर्गत दर्ज किया गया है और उसके पश्चात तत्काल धनबाद एसएसपी के द्वारा इस पूरे कांड के अनुसंधान के लिए सीटीएसपी धनबाद के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया और एसएसपी धनबाद और डीआईजी बोकारो के मॉनिटरिंग में इस पूरे घटनाक्रम का और इस कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। आईजी अभियान अमोल होमकर ने बताया कि धनबाद पुलिस ने मामले के दो आरोपियों लखन कुमार वर्मा और राहुल कुमार वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। लखन को झारखंड के गिरिडीह जिले से और राहुल को धनबाद रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है। जिस ऑटो से जज उत्तमानंद को ठोकर मारी गई थी उसे भी गिरिडीह से बरामद कर लिया गया है। अभी तक जो है दो व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया और दो व्यक्ति अरेस्ट किए गए और जो ऑटो इस पूरे घटनाक्रम में जिसका यूज़ हुआ था उस ऑटो को भी पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। ऑटो चालक लखन कुमार वर्मा ये बेसिकली सोनार पट्टी धनबाद का रहने वाला है और दूसरा जो है वो राहुल वर्मा ये भी सोनार पट्टी थाना जोड़ा पोखर धनबाद का रहने वाला है। इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और इनसे गहन पूछताछ की जा रही है। इस दौरान ये भी पता चला है कि वारदात में इस्तेमाल किया गया ऑटो धनबाद से चोरी किया गया था। गिरफ्तारी के बाद लखन ने बताया कि ऑटो वही चला रहा था और जज उत्तमानंद को उसने ही ठोकर मारी थी। हालांकि अभी साफ नहीं हो पाया है कि उसने ऐसा क्यों किया। से पूरे घटनाक्रम की और पूरे इस मामले की जांच की जा रही है। जांच के क्रम में जो तकनीकी साक्ष्य और अन्य साक्ष्य उपलब्ध हुए, साथ ही साथ जो सीसीटीवी फुटेजेस इत्यादि के माध्यम से जो फैक्ट्स सामने आए, इस घटना ने विपक्ष को भी सरकार को घेरने का मौका दे दिया है। बीजेपी सांसद और प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार से सीबीआई जांच की मांग की है। धन्यवाद। सवा 3 करोड़ जनता को मरवाहत करने का काम किया है। एक न्यायाधीश की संदिग्ध हत्या हम इस बात का प्रमाण है कि झारखंड में आम आदमी भी सुरक्षित नहीं है। इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। राज्य सरकार से हम मांग करते हैं अविलंब इसकी जांच सीबीआई से कराने के लिए अनुशंसा तुरंत और तुरंत करें।
बुधवार को जज उत्तमानंद की मौत ऑटो से ठोकर लगने से हो गई थी। वो सुबह की सैर पर निकले थे, इसी दौरान ऑटो ने उन्हें टक्कर मार दी और फरार हो गया। जिस तरह से ऑटो ने टक्कर मारी उससे हत्या की आशंका पैदा होती है। गौरतलब है कि जज उत्तमानंद कई गंभीर मामलों की सुनवाई कर रहे थे। न्यूज 22 के लिए धनबाद से राजकुमार के साथ रांची से प्रतीक सिंह की रिपोर्ट।